हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही काम आने वाला वीडियो। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको अपना रिलेशनशिप कैसे आप बेटर बना सकते हो, अपनी इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ कैसे बढ़ा सकते हो, अपने इंटीमेट रिलेशन कैसे बेटर कर सकते हो, उन सब के बारे में आपको टिप्स दिए हैं और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी एक और ऐसा टॉपिक आ गया है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि खुशबू का, फ्रेग्रेंस का क्या रोल है आपके इंटीमेट रिलेशन को बेटर बनाने के लिए। या नॉर्मली ही जब भी हमारा मूड थोड़ा ख़राब सा होता है तो आप नोटिस करना कि अगर आप उसमें थोड़ा बदबूदार और अजीब सा चीज़ें देखते हो या अपने पार्टनर के पास जाते हो तो उनके ऊपर से थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है तो आपका मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वहीं अगर आप एकदम से कुछ खुशबूदार, कुछ बढ़िया सी खुशबू अगर सूंघ लेते हो, इंस्टेंटली आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सेम वे आपके इंटीमेट रिलेशन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, आपके मूड को सडनली बनाने या बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में कि कैसे आप खुद को महका सकते हो अपने आसपास का जो माहौल है। फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम है, उसमें एक अच्छा खुशबूदार माहौल बना सकते हो ताकि आप और आपका पार्टनर हमेशा अच्छे मूड में रहे, रोमांटिक मूड में रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जहाँ हम खुशबू की बात कर रहे हैं उससे पहले एक और चैप्टर है जो कि है स्मेल का, बेड स्मेल, बदबू, उस पे हम पहले बात कर लेते हैं कि उसे कैसे हटाएं और उसके बाद अच्छी खुशबू कैसे शामिल करें। तो देखिए, बदबू जो है वो सबसे ज़्यादा आती है हमारे पसीने से, हमारे मुंह से, बेड ब्रेथ से, और तीसरा हमारे प्राइवेट पार्ट वाले एरिया से। तो इन सब के ऊपर मैं बात करती हूँ। देखिए, पहला बेड ब्रेथ की अगर आपको प्रॉब्लम है, मुंह से गंदी दुर्गंध आती है आपके और बहुत ब्रश वगैरह करने के बाद भी आप अपने माउथ का हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो मेरी इस पर सेपरेट में वीडियो है, मैंने काफ़ी सारे टिप्स उसमें शेयर किए हैं। अगर वो सब मैं इस वीडियो में ही बताने लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो मेरी बेड ब्रेथ वाली जो वीडियो है उसे आप देख लीजिए। दूसरा बात करते हैं कि अगर आपके पसीने से स्मेल आती है तो देखिए, पहला तो आप कोशिश कीजिए कि आप रोज़ नहाइए, पसीने वाले जो कपड़े हैं उनको तुरंत आके चेंज करिए। फॉर एग्जांपल आप बाहर से आते हैं तो तुरंत उनको चेंज कीजिए। अपने अंडर आर्म्स को आप अगर जैसे शाम में फॉर एग्जांपल आप नहीं नहा पा रहे हैं तो उनको आप वाइप कर सकते हो, गीला तौलिया लेके आप वाइप कर लो, या जो वाइप्स आते हैं मार्केट में, फेशियल वाइप्स आते हैं उनको लेके भी आप वाइप कर लीजिए एक बार। तो उससे क्या होगा ना, पसीना बैक्टीरिया वगैरह वो एक बार वॉश आउट हो जाएगा उससे, तो आप वाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट में अच्छे रोलॉन्स आते हैं जो बॉडी ऑडर को थोड़ा कम करते हैं, पसीने को और उससे होने वाली बदबू को थोड़ा कम करते हैं, तो रोलॉन्स आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी डिओड्रेंट्स वगैरह तो हैं ही, तो ये आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा पानी में, नहाने के पानी में अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें तो वो भी काफ़ी बेटर काम करता है बॉडी ऑडर को कम करने के लिए। तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट वाले एरिया की। तो देखिए, वहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग पहले तो करके रखनी पड़ेगी, स्पेशली जब गर्मियों वाला मौसम है या बारिश का चिपचिपा वाला मौसम है, ऐसे में बहुत ईजीली आपके वहाँ उस एरिया पर भी पसीना आ सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी ग्रूमिंग करके रखिए, हेयर्स वगैरह आपने मेंटेन करके रखिए, या तो आप पूरे हटा सकते हैं या थोड़ा कैची से कट करके मेंटेन करके रख सकते हैं। तो थोड़ा कम रखेंगे तो वहाँ पे जल्दी जल्दी इतना ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आएगा और बहुत सारे लोगों को खुजली, रैशेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है कि उस एरिया में, प्राइवेट पार्ट वाले बालों में जूं भी हो जाती है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर अपने प्राइवेट एरिया का अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और गंदी दुर्गंध आना, स्मेल आना, ये तो है ही। तो उस एरिया को भी आप बहुत अच्छे से हाइजेनिक तरीके से रखिए, वॉश करिए उसे जब ज़रूरत लगे तो। आपको बहुत ज़्यादा अगर स्मैग्मा जमा हो गया है, स्मैग्मा होता है, मैंने इस पर पहले भी बताया है कि अक्सर लड़कों में और लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब हमारी बॉडी खुद को क्लीन कर रही होती है तो कुछ वाइट वाइट सा डिस्चार्ज टाइप का आपके प्राइवेट एरिया के आसपास आपको दिखता है। ये आना कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपकी बॉडी खुद को अंदर से क्लीन कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इस डिस्चार्ज को आप क्लीन नहीं करते हो। अक्सर लड़कों के प्राइवेट पार्ट के आसपास ये वाइट वाइट लेयर्स ही जम जाती है, इसे आपको प्रॉपर क्लीन करना ज़रूरी है टाइमली। सेम वे लड़कियों के भी
ये प्रॉब्लम होती है और उनको भी क्लीन करना इसे बहुत ज़रूरी है। यही फिर आगे चल के आपको बहुत स्मेल देता है और रैशेज और इन्फेक्शन वगैरह भी इससे हो सकते हैं। तो इसको आप टाइमली क्लीन करिए। जब आप वॉशरूम जाते हैं और नोटिस करें कि ये आ गया है तो तुरंत टिश्यू पेपर से उसे क्लीन कीजिए। आप वॉश भी कर सकते हो। और वॉश करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुखाते नहीं हैं उस एरिया को, और इवन यूरिन पास करने के बाद भी तुरंत ऐसे ही अपने अंडरगारमेंट्स या कपड़े पहन लेते हैं। तो उस एरिया को वॉश आप ज़रूर कीजिए, उसके बाद उसे सुखाइए भी टिश्यू पेपर या फिर अपनी एक छोटा हैंकी या टॉवल आप अलग से रख सकते हैं जिससे आप उसे सुखाइए और तब अपने अंडरगारमेंट्स पहनिए। गीलेपन की वजह से भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ पे फिर बदबू फैलाते हैं, चाहे वो पसीने की हो चाहे वो गीलेपन से हो। बैक्टीरियाज जो होती हैं वो आपको इन्फेक्शन भी देंगे और बदबू भी देंगे, तो उनसे आपको खुद को बचाना है। तो खुद का हाइजीन मेंटेन आपको करके रखना है ताकि स्मेल्स वगैरह ना आए, आपका नेचुरली जो बॉडी ऑर्डर है वो अच्छा रहे। अब बात करते हैं कि एड ऑन खुशबुएँ जो हैं वो कैसे ऐड करें। अब बात करें अगर अपने खुद की, तो पहला तो आता है परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स जैसे लोग यूज़ करते हैं। ओकेजनली आप परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़े से हायर प्राइस में होते हैं। अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस आप ट्राई कीजिए, अलग अलग ब्रांड्स की जो भी आपको पसंद है उन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में। कभी कोई पार्टी है, फंक्शन है, किसी शादी में जाना है या कोई गेट टुगेदर है, या अपने पार्टनर के साथ ही कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करने का आपका मन है, कभी छुट्टी वाला दिन आप अपने पार्टनर को एक अच्छा फील कराना चाहते हो, या अपने पार्टनर के साथ ही घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, पे जा रहे हो, तो ऐसे में आप फिर परफ्यूम्स भी लगा सकते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम परफ्यूम्स बता दो कौन से अच्छे होते हैं, तो देखिए मैं इसमें क्या बताऊं, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग फ्रेग्रेंस ट्राई करके देखिए। फिर भी आप बोलोगे कि जो मेरे हस्बैंड ने ट्राई किए हैं तो उनमें से देखिए डेनवर जो है वो बहुत अच्छा है, टाइटन मैंने उन्हें गिफ्ट किया था, टाइटन की खुशबुएं बहुत अच्छी हैं। इवन लड़कियों के लिए भी, अगर गर्ल्स हैं तो वो भी टाइटन के परफ्यूम्स आप ट्राई करके देख सकते हैं। फीमेल और मेल दोनों में ही बहुत सारी रेंज है अलग अलग। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, मैंने ट्राई किए हुए हैं, हस्बैंड ने ट्राई किए हैं, तो काफ़ी अच्छे उनके परफ्यूम होते हैं। बाकी तो आपका जो मन करे आप अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करके देखिए। इवन आप शॉप पे भी जाते हैं तो उनके पास एक छोटे छोटे सैंपल्स रखे होते हैं जहाँ पे आप सूंघ के देख सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे उसको फिर लेके आप घर पे ट्राई करिए, फिर उस पर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये खुशबू आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो ऐसे ही आप ट्राई कीजिए, कुछ कुछ सेलेक्टेड ऐसी खुशबुएं हैं फिर आपको मिलेंगी जो कि आपको पसंद आ रही हैं, या कुछ ऐसी होंगी जो आपके पार्टनर को पसंद आ रही हैं, तो उनको आप लेके रख सकते हैं अपने कलेक्शन में। और जब भी आपका मन करे थोड़ा सा बस आपको परफ्यूम लगा लेना है। परफ्यूम लगाने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, आपको बता देती हूँ। जो आपके पल्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये रिस्ट है, यहाँ की जो स्किन है ये हल्की होती है, आपकी नर्व्स होती हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको परफ्यूम लगाना चाहिए। ऐसे लगाओ और ऐसे रब कर लो। ये जो जॉइंट्स हैं, ये वाला जॉइंट, ये नेक वाला एरिया, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपने पार्टनर को हग करोगे तो यहाँ से बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी, हैंड शेक करते हो तो आपके स्लीव से बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। सेम वे जो नी के पीछे का एरिया, नी वाला जो जॉइंट होता है, आपके घुटने के पीछे वाला जो जॉइंट्स पे आपको लगाना चाहिए, पल्स एरिया पे, कान के पीछे, यहाँ गर्दन पे, इन एरियाज़ पे आप परफ्यूम को लगाइए। और एक और बेस्ट ट्रिक बताती हूँ, हवा में परफ्यूम छिड़किए और उसमें ऐसे चल के चले जाइए तो पूरा आपके ऊपर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ जाएगी। और लॉन्ग लास्टिंग जो थोड़ा लंबा चले ऐसे परफ्यूम्स आप चूज़ करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले परफ्यूम्स मत चूज़ करिए कि सामने वाले को, दूसरे आपके पार्टनर को जुकाम ही हो जाए, छींके लग जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। और गर्ल्स हैं तो वो बिल्कुल माइल्ड वाली फ्रेग्रेंसेस भी यूज़ कर सकती हैं, बॉयज़ जो हैं वो थोड़ा बीच में कहीं सटल जो है वो परफ्यूम्स यूज़ करें। गर्ल्स की तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे वनीला है, बॉयज़ में जैसे चॉकलेट है वो बहुत अच्छा लगता है, गर्ल्स में, गर्ल्स को वनीला फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, फ्लावर फ्रेग्रेंसेज आती हैं अलग अलग वो अच्छी लगती हैं। तो आप ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है कि अपने रूम का जो माहौल है उसे कैसे एक खुशबूदार अच्छा बनाए। तो देखिए सबसे पहला तो आपकी जो बेडशीट है, बेडशीट जो है वो रेगुलर बेस पे आप चेंज करिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं महीने महीने भर तक एक ही बेडशीट चल रही है,
और पता नहीं कैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलर बेस पे भी चेंज करते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार कर लिया। लेकिन अगर आप रेगुलरली इंटीमेट होते हैं तो मैं आपको बोलूँगी और जल्दी आपको अपनी बेडशीट्स जो हैं वो चेंज करनी चाहिए। हर 2 से 3 दिन में आप बेडशीट को चेंज कर लो। जब नई धुली हुई अच्छे से डिटर्जेंट में, जैसे जो थोड़ा खुशबूदार होता है, उसमें आप बेडशीट धोओगे और फिर नई बेडशीट बिछाओगे। अलग अलग थोड़े आप बेडशीट लीजिए अलग अलग कलर्स की, और उन्हें उसे जब बिछाओगे तो जब आप रूम में घुसते हो तो एक अलग ही आपको एक खुशी सी मिलती है। इसके अलावा आप रूम में फ्रेग्रेंस बिल्ड कर सकते हो, आप एरोमा डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हो, आप रूम फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हो। रूम फ्रेशनर मैं कम सजेस्ट करूँगी क्योंकि कितनी बार रूम फ्रेशनर से ना लोगों को छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो कि एरोमा डिफ्यूज़र यूज़ करो, उसमें आप जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो डाल के आप डिफ्यूज़ करके लगा सकते हो। ये कैंडल वाले भी आते हैं और इलेक्ट्रिक वाले भी आते हैं। इसके अलावा आप फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, फ्लावर्स लाइए जैसे कि रोज़ है, लिली है, जैस्मिन है, जो बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं, उन्हें लाके अपने कमरे में आप रख सकते हैं। कभी कभी जब बाहर जाएं देखें फूल अच्छे हैं, थोड़े से ले लें, अपने पार्टनर को दे सकते हैं, जैसे लड़के हैं तो वो लड़कियों को दे सकते हैं। एक रोमांटिक जेस्चर भी हो जाएगा और उसे अपने बेडरूम में लाके कहीं किसी वास में लगाइए। तो ऐसे ही आप अपने रूम में एक अच्छा खुशनुमा खुशबूदार माहौल बना सकते हैं। और ख़ुद के लिए तो मैंने आपको हाइजीन टिप्स दी ही। एक लास्ट बात और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना हेयर वॉश नहीं करते हैं और उनके हेयर से काफ़ी स्मेल आती है, स्पेशली कुछ लड़कियाँ जो अपने हाइट में थोड़ी यहाँ आती हैं अपने बॉयफ्रेंड के या हस्बैंड के, और जब उनको हग करते हैं और आपके सोचिए आपके सर में से थोड़ी स्मेल आ रही हो, थोड़ा चिपचिपा सा बदबूदार सा वो हो रहा हो, तो आपके पार्टनर का कितना मूड ऑफ हो जाएगा। तो अपने हेयर्स को हमेशा अच्छे से रखिए, वॉश करके रखिए जब ज़रूरत हो। और अच्छा, अगर आप शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आपके बाल भी काफ़ी महकते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जो मैंने परफ्यूम वाली ट्रिक बताई कि आप ऐसे ऐसे उसे हवा में छिड़क के अगर उसमें से जाएंगे तो आपके बालों में भी वो थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस आ जाती है। ऐसे परफ्यूम लगाना नहीं है, एक मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि कभी कभी जब बहुत ही अच्छा लगना हो तो आप फ्रेग्रेंस ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके बाल भी काफ़ी अच्छे लगेंगे और बदबू नहीं मारेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप अच्छे से महक सकते हैं और अपने पार्टनर को लुभा सकते हैं थोड़ी उस खुशबू से, और अपना भी मूड अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये टिप्स उन लोगों के लिए भी हैं जो सिंगल भी हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं हमारा पार्टनर नहीं है हम क्या करें, तो देखिए आप खुद भी तो अपना हाइजीन मेंटेन करिए, अपने लिए करिए, अपना मूड अच्छा करने के लिए भी आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करना है दूसरों के साथ भी। तो चलो मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में, बाय बाय।